मैं सद्दाम हुसैन, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूजीसी ने 1 दिसंबर 2020 को अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया है, जिसमें मेरा रिज़ल्ट दूसरा प्रयास रहा जेआरएफ क्वालिफाई करने का। पिछली बार मैंने नेट क्वालिफाई किया था, उस समय भी वेणुधर रोतिया सर का उतना ही सहयोग प्राप्त था जितना आज प्राप्त हुआ है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ यह सब करना नामुमकिन है, फिर भी मैंने यह कर दिखाया और यह इसलिए कर पाया क्योंकि वेणुधर रोतिया का आशीर्वाद था। उन्होंने हमें फ्री में बहुत सारे नोट उपलब्ध कराए, जिनको पढ़ के मैंने यह मुकाम हासिल किया। पेपर वन इनका ज़बरदस्त है, अगर ईमानदारी से तैयारी किया जाए तो। आप देख सकते हैं, मैंने उनका नोट पिछले साल लिया था और वही नोट का दोबारा अध्ययन कर इस जेआरएफ में क्वालिफाई हुआ हूँ। आप देख सकते हैं, विथ डेट है सारा, ये सारे नोट हैं मेरे, आप देख ही रहे हैं। कुछ पुराने किताब भी मैंने उपलब्ध कराए थे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है जिनका हमने अध्ययन किया और क्वेश्चन को समझा। आप देख सकते हैं, ये सारा वेणुधर रोतिया सर का नोट है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस मुकाम को पाया। इसके लिए मैं वेणुधर रोतिया सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में आप सभी मित्रों का भी धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी निगम है और मैं कानपुर की निवासी हूँ। और मेरी फ्रेंड ने मुझको लॉ ऑर्डिनेंस सिविल लाइट्स जो ऑनलाइन क्लासेज है वेणुधर सर जो चलाते हैं उसके लिए सजेस्ट किया था, और मैंने इसी क्लास से ही अपनी फर्स्ट पेपर की सारी तैयारी की थी। तो मेरा विजुअल आर्ट सब्जेक्ट से पहली बारी में ही नेट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर मेरे वेणुधर सर, आप ऐसे ही सब बच्चों का मार्गदर्शन करते रहिए, सभी बच्चों का नेट और जेआरएफ ऐसे ही क्लियर होता रहे। थैंक यू सर, मैं आपके हमेशा आभारी रहूंगी। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में सर। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मधु कुमार सर। अच्छा मधु कुमार, कहाँ से हो? कर्नाटक से हूँ सर। अरे कर्नाटक से, कल तो मैसेज भेजे थे क्या? हाँ सर, मैसेज भेजा सर। और एक प्रॉब्लम है सर। क्या? ओ, एक आपका वीडियो देखा हूँ सर, एक NFSC करके आता है सर, नेशनल फेलोशिप फॉर ऐसे स्टूडेंट्स। हाँ सर, उसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर नहीं है, तो सर वो कैसा सेलेक्ट करते हैं सर? वो नहीं, नहीं, वो आपका परसेंटाइल मार्क्स कम होने के कारण उसमें आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्या नेट हो गया आपका? हाँ सर, 60.66 बना है। कितना परसेंट? 60.66। अच्छा, कौन सी सब्जेक्ट? जागृति। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, आपकी कृपा से हुआ है, और 32 क्वेश्चन हुआ है फर्स्ट पेपर में सही। 32 क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया बना है, 32 सही है। आप उत्तर प्रदेश अप्लाई करिए। क्या? उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई करिए। हाँ सर, तो दो केवल दो सीट है, वो भी जनरल में है। तो क्या हो गया, तो भरो ना। भरने में क्या, एक सीट चाहिए या दो सीट चाहिए? नहीं सर, जैसे कह रहे हैं जनरल में भर सकते हैं ना। क्या बोले? मैं JRF क्लियर कर लिया हूँ। अरे क्या बात है, है? नीतीश, जो मैंने बताया था ना कि रायपुर गया था परीक्षा देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। हाँ, वही मैं नीतीश हूँ। मैं JRF के लिए क्वालिफाई करूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस था सर। पेपर वन में आपने बहुत हेल्प किया, 30 क्वेश्चन सही हुए, पूरा ग्राफ 30 क्वेश्चन आपका सही हुआ था, और आप जो है पॉलिटिकल साइंस में JRF क्लियर कर लिए। जी जी, वाह क्या बात है, बहुत मजा आ गया। धन्यवाद, आपका बहुत योगदान है इसमें। अच्छा ये बताओ जी, जो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए बताओ, जैसे आपने JRF क्लियर किया हुआ है जी, उसके हिसाब से आप बताइए कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए JRF एक ही बार में क्लियर हो जाए। सर मैंने एक बार बताया, मैंने पिछले बार 3 टाइम से मेरा नेट हो जा रहा था, पेपर वन 25 ऊपर जा ही नहीं रहा था, और दो तीन पेपर से ऊपर जा रहा था। आपका क्लास लिया मैंने यूट्यूब पे रेगुलर, और 30+ हो गया और JRF के लिए क्वालिफाई कर गया। क्या बात है सर, मुझे लगता है कि पेपर वन में जो आप पढ़ाते हो सफिशियंट है, और एक बुक जो है पियर्सन का वो सपोर्ट के लिए रखे, और आपका
जो यूट्यूब पर पढ़ाते वो पेपर होने के लिए उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे वेरी गुड क्या बात है, जी जी बात है, बहुत मजा आ गया यार ये तो। जी जी मजेदार बातें आप बता रहे हो है? जी जी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जेआरएफ कर लिए और अभी पर ईयर 5 लाख के दावेदार बन गए हो आप है? जी जी सर आपकी कृपा है। पेपर वन में हर बार मेरा 25 ऊपर सही नहीं होता था और 2-3 नंबर से जेआरएफ अटक जाता था और इस तरह से मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया था। अरे क्या बात है। तो फिर यूट्यूब पर मैंने सर्च किया तो आपका दिखा, फिर मैंने रेगुलर वीडियो देखना 2-3 महीने देखा और प्रैक्टिस करता था मॉर्निंग वाली मैथ का और शाम वाली दोनों ही, और शायद इस बार 30 स्कोर हो गया और इसी तरह से मैं क्वालिफाई हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब सुनने के लिए आज जो है हम लोग इंतजार करते हैं कि बच्चे जेआरएफ क्लियर करेंगे। ठीक है, कहाँ से हो आप? सर मैं एक्चुअली पटना से हूँ बट दिल्ली में रह के दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया हूँ और यहीं पे अभी फिलहाल। आपने एक बार बताया था कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर जो है पढ़ाई तैयारी करते हैं। जी जी। और ये आपके लिए कुर्बानी जो थी, जी आपकी कुर्बानी कहा जाए कि आपने समय दिया और अच्छे से आपने पढ़ाई किया और आप जो है सफलता अर्जित कर लिए। देखिए हम कल ही भी बता रहे थे कि देखिए रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लोग कह रहे थे नहीं सर इस महीने में नहीं आएगा, अरे हमने बताया ना 30 तारीख के पहले आ जाएगा और बहुत अच्छे खुशखबरी मिलेगा। देखो ये हमको जो है खुशखबरी सुनने को मिला। सर ये फायदा भी हुआ कि अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ तो मैं जेआरएफ के साथ भरूंगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भरिए, राजस्थान में भरिए, जी जी सब जगह भर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी भरा था, देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। आऊंगा सर इंटरव्यू के लिए, जरूर आपसे मिलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर दिल्ली का भी आना हुआ था एक बार मुझे जरूर बताइएगा ग्रुप में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, थैंक यू। ओके थैंक यू। में सर ज्योग्राफी में, अरे वाह ज्योग्राफी में नेट निकाल लियो, बहुत बड़ा काम कर लियो। हाँ सर आपके वीडियो देखा हूँ मैं सर। अच्छा हमारा वीडियो देखे? जी जी। तो कुछ फायदा हुआ है? अरे सर बहुत फायदा हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया। फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिए? जी जी। हमारा राजश्री भी बहुत हंस रही है आपकी बात को सुन। राजश्री को सर उस दिन दिखाए थे अपना ऑनलाइन शो, हम लोग देखे थे, कितना हंस रही है आप सुन के बोले बहुत खुश रही है, बहुत हंस रही है। अच्छा सर एक समस्या है सर, जैसे सर अगर किसी बंदे का मतलब अगर नाम गलत हो गया है, जैसे हमारे एक फ्रेंड है अमित गुप्ता, तो उनका नाम जैसे उनके पिता के नाम का टाइटल छूट गया है और उनका नेट क्वालिफाई है, वो सुधर कैसे सुधरेगा सर? वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा एनटीए को। एनटीए को आखिर मतलब उसका प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस ये है कि पहले वहाँ कस्टमर केयर से बात करिए। जी जी है ना, कस्टमर केयर से बात करके ही बताओ, बताएगा कैसे क्या करना है। हाँ हाँ